प्रणाम, जय जिनेंद्र, नमस्कार। मैं हूं आपका एस्ट्रो गुरु निकुंज। कोर्स के आज दूसरे दिन हम काफ़ी सारे नए विषयों को लेकर के चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। करीबन पूरे वर्ल्ड में से 1200 लोग ये भक्तामर ऊर्जा से वास्तु को कैसे बैलेंस करें वो सीख रहे हैं। साइंस और अध्यात्म की उन्नत खोज वो भक्तामर महास्त्रोत्र की आराधना है, और ये आराधना के माध्यम से चारों दिशाओं में मिलने वाली ऊर्जा की जो तरंग है, जो वाइब्रेशन है, उनको कैसे आप ठीक कर सकते हो उसके बारे में आज समझेंगे। तो सबसे पहले आप नोट के अंदर लिख लीजिए कि कौन कौन सी दिशा आपकी कट हो रही है। जिन्होंने अभी तक प्लान नहीं निकाला वो प्लान निकाल लीजिए। सूर्य का जहाँ पर उदय होता है वो पूर्व दिशा है। उसके जो देवता है वो इंद्र है। बहुत सकारात्मक दिशा है, आपको बहुत नेगेटिविटी बढ़ गई है, तबीयत में किसी को ठीक नहीं रहा है, लंबे समय से जो बेड रेस्ट है उसका बेड भी कुछ समय के लिए पूर्व दिशा में यदि रखते हैं, मुख्य दरवाजा भी पूर्व दिशा में रखने से बहुत लाभ होता है। आज के विषय में हम स्पष्ट रूप से समझेंगे कि हमारे घर का दरवाजा कौन से दिशा में है, कौन से दिशा की एनर्जी घर के अंदर पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, मिश्रा आ रही है या कुछ नहीं आ रही है, तो इस दिशा से ज़्यादा खुशियाँ आती है। दूसरे नंबर के अंदर पश्चिम दिशा, जो सूर्य का अस्त होता है, पश्चिम दिशा के अंदर जो आपके घर की पूरी जो रचना है, जिनके अधिष्ठायक देव वरुण देव है, डाइनिंग टेबल आप रख सकते हो, डाइनिंग हॉल रख सकते हो, सीढ़ियाँ रख सकते हो, और यहाँ पर दर्पण लगाना, मिरर यदि आप लगाना चाहते हो पश्चिम दिशा में, तो उनके बहुत बेनिफिट देखने को मिले हैं। उत्तर दिशा की बात करें तो धन कुबेर का देवता है। खास करके आप उत्तर दिशा के अंदर नगद तिजोरी है, पैसा है, वो यदि रखते हैं तो बहुत बेनिफिट होता है। उत्तर दिशा में तिजोरी यानी दक्षिण दिशा के अंदर आपको तिजोरी रखना है, और जिनका मुंह उत्तर दिशा की ओर खुले। दक्षिण दिशा बहुत शुभ मानी गई है, ऐसा नहीं है कि सभी को दक्षिण दिशा अशुभ ही होती है, उसके बारे में आगे हम विस्तृत जानेंगे, लेकिन दक्षिण दिशा यम की दिशा है। यहाँ पर जितना ज़्यादा आप भारी सामान रखेंगे, स्टोरेज बनाएंगे, शत्रुंजय गिरिराज का फोटो लगाएंगे, उतना मन आपका दिमाग हल्का रहेगा। जिनको काम का बोधरेशन बहुत रहता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सामान दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण की बात करें, देवी शक्तियों जिसको अध्यात्म में आगे बढ़ना है, घर के अंदर मंदिर रखना है, और खास करके एवरीडे सुबह में स्थानकवासी मंदिर मार्ग कोई भी हो वो सभी लोग 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के लिए इस दिशा में दर्शन भी करते हैं तो करोड़ों साधु साध्वी जी भगवंतों को भक्ति करने का लाभ मिलता है, पुण्य बढ़ता है। जिनके भी काम रुक गए हैं वो कुछ समय में ईशान कोण में बैठ करके पूजा भक्ति आराधना करते हैं तो पुण्य बढ़ता है और काम की गति सक्सेस आपको बहुत जल्दी मिल जाता है। अग्नि कोण, दक्षिण और पूर्व दिशा के बीच में ही अग्नि कोण आता है। ये अग्नि का प्रतिनिधित्व ऊर्जा जिसमें कम है, जो बहुत स्लो चलते हैं, उनको खास ये दिशा में आप बिठा सकते हो, और ये दिशा में दोष है तो बहुत 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 रुकावट आती है। आज हम कुछ रोगों के बारे में भी चर्चा करेंगे ये वीडियो के अंदर, और किस प्रकार से दोष का निवारण करें वो भी जानेंगे। दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण मुख्य कोण को माना जाता है। घर का जो मुख्य व्यक्ति है, जो कमा करके घर के अंदर लाता है, घर की बहुत सारी जिम्मेदारी संभालता है, तो उस व्यक्ति का बेडरूम जो है वो नैऋत्य कोण दक्षिण पश्चिम में होता है, तो वो घर की प्रगति बहुत बढ़ती है और काम करने वाले का उत्साह, जोश, माइंड पावर वो बहुत बढ़ जाता है, स्थिरता आती है, क्योंकि ये जगह को पृथ्वी तत्व, कोई भी प्लॉट भी जो रखना चाहते हो बराबर, या प्लांट भी यदि रखते हो तो वो आपको बहुत 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 लाभदायी है। तो दक्षिण दिशा में प्लांट रखना बहुत शुभ माना गया है। मुख्य व्यक्ति का बेडरूम भी आप रख सकते हो। उत्तर और पश्चिम दिशा यानी वायव्य कोण, ये खास करके वायु की प्रतिनिधित्व करती है, तो इस वजह से यहाँ पर खास करके खिड़की है, रोशनदान होना है, वो सारी चीज़ें बहुत 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 लाभदायी है। और एक हमने बहुत सारी जगह पर रिसर्च किया है कि जो भी लड़कियाँ हैं, जो भी बहनें हैं जिनकी शादियों में रुकावट आ रही है, वो सभी लोग अपना जो रूम है वो उत्तर पश्चिम के अंदर बनाएं, या उनके रूम के अंदर उत्तर पश्चिम में वो सोते हैं, पूरा बॉडी का कोई भी भाग वहाँ पर आता है, तो मैरिज के कार्य में बहुत बहुत गति मिलती है। ये पूरा कोर्स बनाने का हमारा 3 मुख्य लक्ष्य है। ये खास करके आप सब लोग समझ लीजिए कि ये जो कोर्स जो है वो हर प्रकार से आपको सपोर्ट करेगा। तो साथ साथ में देखा जाए तो सबसे पहले पूरा जो विश्व है
वो वास्तु दोष से मुक्त हो, पूरे विश्व है वो रोग से मुक्त हो। ये पढ़ने के साथ साथ में आपको रोज ये चीज बोलनी है कि भाई ये कोर्स जो मैं कर रहा हूँ और पूरे विश्व के अंदर भक्तांबर का जो दिव्य प्रभाव है वो घर घर तक पहुँचे, इसी भावना के साथ में ये पूरा हम कोर्स बना रहे। तो खास करके हम देखा जाए तो अलग अलग प्रकार की जो बात है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करना है, जो चीज आपको जैसे ही पसंद लग जाए, क्योंकि तो काफी सारी मेहनत के बाद ये जब हम कोर्स बनाते हैं आपके लिए, स्टडी करते हैं, तो वो स्टडी करते करते जो जो भी हमने रिसर्च किया है, कोई भी चीज पसंद आए, दो लोग चार लोग को आप बताइए जिनसे आपका अभ्यास होगा। बहुत सारे लोग प्लान हमको भेज देंगे, प्लान हमें भेजेंगे, यहाँ से आपको कोई जवाब नहीं मिलने वाला है। तो खास करके आप ये चेंज चेक कीजिए कि भाई आपकी ये दिशा है और इसका क्या प्रभाव है, क्या मुझे इसका प्रभाव दिख रहा है, तो मुझे भक्तांबर की कौन सी आराधना करनी चाहिए। जिनके घर में सर्दी जुकाम लंबे समय से रह रहे हैं वो चेक कीजिए कि ब्रह्म स्थान के अंदर यदि दोष होता है तो स्वास्थ्य संबंधी आपको बीमारियां बहुत बढ़ जाती है। लंबे समय से बराबर सेंटर में पिलर है, सेंटर में सीढ़ियां बना दिया है, सेंटर में बिना काम की बहुत सारा स्टोरेज बना दिया है, तो सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां कभी भी आपकी जाएगी नहीं। तो बराबर चेक करके जितना ज्यादा जो है वो सेंटर को बराबर खाली कीजिए। खास करके आज गुजरात में सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट है, पूरे विश्व में करीबन 10 करोड़ से लेकर 13 करोड़ के पेशेंट है जो डायबिटीज है। डायबिटीज खास करके जिनके घर में अग्निकोण या ईशान कोण में दोष है उनको डायबिटीज होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। बहुत सारे घरों में टॉयलेट बाथरूम ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में होते हैं, यदि अपने रखे हैं तो डायबिटीज किडनी डायलिसिस आदि अलग अलग लंबी चेन पूरी चालू हो जाएगी। यदि डायबिटीज पहले से भी है और यदि उसको नियंत्रण में आप लाना चाहते हो तो अग्निकोण और ईशान कोण का जो दोष है वो समाप्त करें, वहां पर आराधना भक्ति साधना करें। यदि जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है उक्त रक्तचाप जो बोलते हैं, तो उनके लिए उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम के अंदर घर के अंदर कोई भी प्रकार का दोष है ये सब चीज लिख लीजिए, जिसको भी है उनको बताइए। और यदि यहाँ पर आपके अंदर जो आप साउथ वेस्ट जो है वहां पर यदि कोई दोष है तो वो व्यक्ति भावना से परित हो जाएगा, उनको परिवार क्या है, लागणी क्या है, धर्म में आप जुड़ने का भी बोलेंगे तो वो सब चीजों के कारण उनको कोई फीलिंग नहीं आएगी। तो खास करके उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम चेक कीजिए। यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर रहता है, यहाँ का वास्तु दोष जैसे ही आप दूर करेंगे धीरे धीरे रिकवरी आनी चालू हो जाएगी। यदि खास करके वायव्य कोण और नैऋत्य कोण के अंदर यदि कोई भी प्रकार का दोष है, वो कॉर्नर कट हो रहा है, तो घर की जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, घरने वाले जितने भी व्यक्ति हैं वो इमोशनल उसकी जो लागणी है वो मन के ही अंदर दबा के रखेंगे, वो पूरी तरह से खुल करके वो उस घर के अंदर नहीं रह सकते हैं। तो ये खास करके आज आपको घर में चेक करना है कि यदि मेरा बेटा मुझसे बात नहीं कर रहा है तो मेरा कौन सा कॉर्नर कट हो रहा है और मुझे कौन सी आराधना करनी है। आगे जाकर के जो प्राणांत बीमारी है कि जो बीमारी आने के बाद सीधा उसका एंड जो है मृत्यु है, तो वो सभी लोगों के लिए साउथ, यदि साउथ जो कोण है वहां पर कुआ है, बहुत सारे घरों के अंदर बंगला है आदि अलग अलग प्रकार का प्लॉट के अंदर यदि आपने बनाया है तो साउथ कॉर्नर के अंदर यदि आपने कुआ बनाया है, बड़ा खड्डा है, तो वो व्यक्ति जो है और आयु क्षय कष्ट यानी लंबे समय की बीमारी, वो बीमारी आने के बाद प्राण जाना निश्चित हो जाता है। तो खास करके वो आप साउथ वेस्ट चेक कीजिए, वहाँ पर यदि कुआ है, बहुत बड़ा खड्डा है, तो बहुत बड़ा रोगों के अंदर आप फंस सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का हम निवारण करें तो करें कैसे, तो कि जिस घर के अंदर बहुत सारे लोगों का मन अशांत रहता है, नास्तिकता की भावना बढ़ जाती है, तो यानी ईशान कोण यदि दोषपूर्ण है तो उसका ये सारी चीज़ें बढ़ने लग जाती है। तो उसका निवारण के लिए ईशान कोण के अंदर भक्तांबर की छठी गाथा का आप यंत्र रखिए, यंत्र नहीं है तो आप भक्तांबर की छठी गाथा का 21 बार पाठ कीजिए रुद्धि और मंत्र के साथ में, धीरे 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 वो जो नेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी। खास करके दक्षिण और पश्चिम दिशा यदि ऊंचा है या वहाँ पर दोष है, जिसको भी संतान का इश्यू रहता है, वंश वृद्धि में रुकने की प्रॉब्लम्स आ जाती है, वो सभी लोग 20वीं गाथा भक्तांबर की जो 20वीं गाथा से वहां पर हीलिंग कीजिए। ये आप समझ लीजिए कि कोई भी जगह को हीलिंग करना है तो 21 बार बोलना है रुद्धि मंत्र
और मेरा इस कॉर्नर या ये दिशा पूर्ण रूप से भक्तांबर महामंत्र से चार्ज हो रही है, और उत्तर और पूर्व दिशा जो है बहुत साफ रखिए। जिस घर में उत्तर दिशा में स्टोरेज है बिना काम का कचरा पड़ा हुआ है, पूर्व दिशा में स्टोरेज बना दिया है बिना काम का कचरा है, तो भी आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। खास करके अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे हैं उसमें आखिरी में एक आज आपको टिप्स बताना चाहता हूँ कि जिनके बनते बनते काम रुक जाते हैं, टोना टोटका लगता है, नज़र लगती है, शरीर भारी भारी लगता है, कुछ भी नहीं हो, डॉक्टर के सारे रिपोर्ट नॉर्मल हो, फिर भी आप आनंद से नहीं रह सकते, वो सभी लोग ब्रह्म स्थान के अंदर तुलसी रखिए। भले घर के कोई भी एक कॉर्नर को बराबर ब्रह्म स्थान की कोई भी जगह है वहां पर तुलसी रखिए और पूरे भक्तांबर का जाप कीजिए। यदि 44 दीपक है तो दीपक एक मंत्र एक दीपक एक मंत्र एक दीपक, ये करने से काफी सारी आपके घर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और आपके पास जो अनंत बल है, पारिवारिक आनंद है, वो पूर्ण रूप से आप आनंद कर सकते हैं। भक्तांबर की 12वीं गाथा मैंने जो वायव्य कोण उत्तर पश्चिम के बारे में बताया था, जिनको पड़ोसियों से जो अपने नेबर है उनसे बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो उन सभी लोगों के लिए खास करके 12वीं गाथा का पाठ, और खास करके जिनकी मैरिज का इश्यू चल रहा है उन सभी लोगों को 12वीं गाथा का पाठ से उनका कार्य के अंदर बहुत लाभ होता है। और खूब अगत्य की आखिरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि जिस घर में बारी बारी से चोरी हो जाता है, दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोना यदि खुला है या नीचा है तो वहाँ पर चोरी होने के चांस बढ़ जाते हैं। कोई भी चीज़ गुम हो जाती है, कोई भी आप चीज़ रखते हो तो भूल जाते हो, तो वो समस्या आप दूर करना चाहते हो तो भक्तांबर की जो 9वीं गाथा है उसके आराधना से जबरदस्त कोटि का आपको लाभ मिलता है। परिवार के सब जो जितने भी सब सदस्य हैं जिसको नींद नहीं आने की समस्या है, खास करके हद से ज्यादा खर्चा हो जाता है, प्रयासों के बावजूद भी कोई भी साधन आप ला नहीं पाते हो, तो खास करके उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा हद से ज्यादा अधिक ऊंचा है, तो इसके कारण उत्तर दिशा को बराबर साफ कीजिए और आलस को दूर करने के लिए जो भी आपके संकल्प है वो पूर्ण करना चाहते हो तो खास करके 23वीं गाथा का पाठ करें और सदैव दक्षिण दिशा की ओर सिर रख करके यदि आप सोते हो तो पूर्ण रूप से वास्तु दोष दूर होता है और आपके पास जो भी है वो आनंदकारी प्राप्त होता है। तो ये बहुत सारी बातें, बहुत सारी भक्तांबर की मंत्र आराधना मैंने आपको बता दिया है, ये सारी चीज़ें आप चेक कीजिए, जो जो भी आपकी काम की है उसको बराबर नोट में लिख लीजिए, इसका पूरा PDF भी आपको मिल जाएगा। तो बराबर घर के अंदर चेंज करते करते जो भी बिना काम का सामान है उसको निकालते पूर्ण रूप से हैप्पीनेस आनंद खुशी को बढ़ाएं, भक्तांबर की महिमा को आप अनुभूत करें। यही भावना के साथ नए विषय के साथ वापस आप सभी के सामने हाजिर रहूंगा, तब तक के लिए मुझे रजा दीजिए। प्रणाम, जय जिनेंद्र, नमस्कार।